भाई मुझे आपसे ये पूछना था कि मतलब ये गैप से सवाल नहीं है रिलेटेड। मुझे आपसे मतलब जाहिर पटेल भाई ये पूछना था कि कुरान जो है हमारे प्रेजेंट डे में, इसके मतलब 26 वेरियस वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, बट मतलब और हदीसों में 7 वर्जन्स मतलब किरात लिखी हुई है, डायलेक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और बहुत सारे हमारे पास एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं जिसमें मतलब जबर जेर पेश नहीं है और बहुत सारी चीजें आगे पीछे लिखी गई हैं। तो जैद साहब मुझे ये पूछना है कि ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? इसमें तो मतलब इतनी सारी मिलावटें हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, चीजें आगे पीछे लिखी हुई हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी कम्प्लीटली मतलब कहीं कभी फाइंड नहीं किया गया, एक दो पेज मिले हैं, तो मुझे यही ठीक है, जानना मैं था। आपको जी, पहले तो ये बात है, ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत डिटेल में हमारे कुरान की हिफाजत के ताल्लुक से स्ट्रीम थी उसमें लिया है। आपने आज सवाल पूछ लिया है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, एक होता है कि अल्लाह के पास से एक आया था और यहाँ पे आके सात अहरूफ हो गए, सात हो गए। अल्लाह के पास से एक आया था, अगर ऐसा होता तो करप्शन होता कि भाई अल्लाह ने तो एक भेजा था, लोगों ने सात बना दिए। लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्लियर कट हदीस मिलती है, सही बुखारी की हदीस है कि यकीनन कुरान मेरे पास सात अहरूफ में नाजिल किया गया, सात अहरूफ में नाजिल किया गया। और हम देखते हैं कि जो उस्मानी मसाहिफ, जो उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने जो मुसहफ जमा किए सारे, तो वो मुसहफ के अंदर से ये किरातें जो मिलती है ना, ये मुतवातिर किरातें, ये किरात जो है, ये सारी जो किरात जो आप बता रहे हैं वो सब मुतवातिर। मुतवातिर का मतलब ये है कि हर जमाने और दौर में इतने सारे उसके हुफाज है। अगर आप देखोगे सनद होती है, अगर आप कुरान के हिफ्स की स्कूल में जाओ और वहां से कुरान हिफ्स करो तो उनके पास सनद होती है, वो सनद जाती है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कि ये इनके उस्ताद कौन थे, उनके उस्ताद कौन थे। और हम देखते हैं मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन से हमें पूरा कुरान मिलता है। और कुरान जो अगर आप देखो कि पूरी दुनिया में आज से नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से सहाबा इकराम सब ने कुरान को याद किया था। आज भी अगर सब किताबों को खत्म कर दिया जाए तो कुरान वैसे के वैसे वापस आपको मिल सकता है, इतने सारे लोग, ये ओरल ट्रेडिशन चल रही है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडीमेड वेबसाइट से, आज आपके लिए रेडीमेड वेबसाइट से जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है कि आज अगर आप कुरान को वेरीफाई करना चाहते हो, कोई भी पेज उठाओ कुरान का, आपको कितनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलेगी, उसकी कितनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स से आप देख सकते हो कि ये इतनी सारी एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स में वही के वही कुरान आज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर देखोगे फतह दमा कसरा की आप जो बात बोल रहे हो, फतह दमा कसरा ये किसके लिए होता है, जो लोग अरबिक पढ़ना नहीं जानते उनके लिए होता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को उर्दू पढ़नी नहीं आती, उसके लिए रोमन उर्दू लिखते हैं ना, तो कोई बोले आज आई है उर्दू, आज जाके रोमन रोमन उर्दू किसके लिए बनाई गई है, जिसको उर्दू पढ़ने नहीं आता उसके लिए बनाई गई है। उर्दू जुबान तो उससे पहले से चल रही है ना। तो यहाँ पे कुरान जो है ये क्या है, एक अल्लाह का कलाम है, हाजर जिक्र अल्लाह का कलाम है, तो ये पैगाम है अल्लाह का और अल्लाह ताला ने इस पैगाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अब इसके अंदर जब लोगों को अरबिक नहीं आती थी और पढ़ने नहीं हो रहा था तो उनकी आसानी के लिए अराब दिए गए। अराब किसके लिए, उनकी आसानी के लिए है। तो कुरान तो वही है, चाहे ना हो वही अराब है, वही है जी। और आपको पता है कि उस्मान रदिल्लाहु अन्हु ने सिर्फ कुरान मुसहफ भी नहीं भेजे थे, उस्मान रदिल्लाहु अन्हु ने वो टाइम के जो इस्लामिक जो बड़े बड़े सेंटर्स थे उनको कुरान के साथ में कुरान के स्कॉलर रिसाइटर को भी भेजे थे। और कुरान कैसे सीखते आए हैं, कुरान सीखते आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर रुकुम, तुम में सबसे अच्छा वो है मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा, जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कुरान सीखने और सिखाने के सिलसिले से लोग सीखते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओरल ट्रेडिशन भी है मुसलमानों का, उम्मत का इजमा इत्तेफाक भी है और मैन्युस्क्रिप्ट भी बहुत सारी है। और ये चीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो चैलेंज किया, कोई कहे इसको चेंज हो गया तो कोई चेंज साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बोगस एलिगेशन लोग देते हैं ना वो चेंज साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कुरान के मिरेकल में से एक मिरेकल ये है कि बाज आयतों को अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो सब अता अहरूफ सात अहरूफ में नाजिल किया, वो हम देखते हैं कि उसमें से कई सारे रिसिटेशन, और ये कोई नॉर्मल नई बात नहीं बता रहा हूं, आप कोई भी तफसीर उठाओ, तफसीर में कसीर उठाओ, तफसीर जलालैन उठाओ, तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि ये आयत इस तरह से भी नाजिल हुई। और उसके अंदर कुरान की बाज आयतें जो दूसरी आयतों की तफसीर है, कुरान की आयतें दूसरी आयतों की तफसीर है, तो मिरेकल में से मिरेकल ये है कि जो सातों अहरूफ में चैलेंज था कि इसके जैसा कुरान ले आओ, इसके जैसा कुरान ले आओ, ये मैसेज भी मिलता है। और बाज आयतें जो हम देखते हैं कुछ वेरिएशन, जैसे मालिकियों में दीन और मलिकियों में दीन, ये दोनों ऑथेंटिक तौर पर साबित है। अब बाज जगह है जैसे मालिकल मुल्क, उसमें इजमा है कि मालिकल मुल्क में मलिक नहीं आ सकता, और जैसे सूरह नास में आता है कि मलिक इन्नास, उसमें मालिक बोल नहीं सकता, उसमें भी इजमा है, उसमें कोई नहीं। लेकिन सूरतुल फातिहा में मालिक यौम दीन और मलिक यौम दीन दोनों के दोनों साबित है। पता क्या चलता है, ये सब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, यानी ऐसा नहीं कि किसी ने अपनी तरफ से लाया विद चेंज ऑफ नरेशन। आपको तो उल्टा इस चीज के ताल्लुक से अमेज होना चाहिए, लेकिन आपको ओपन माइंड से और स्टडी करना होगा। हमारी एक खास स्ट्रीम है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इल्मे गैप का है ना, तो मैं ज्यादा डाइग्रेस नहीं हो सकता हूँ। एक शॉर्ट में मैंने आपका आंसर बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब समझ आया। जैद भाई मुझे आपसे अच्छा मुख्तसर में एक लाइन में एक बात ज़हन में रहे कि सात अहरूफ पर कुरान नाजिल किया गया का ये मतलब नहीं है कि हर हर या आयत या कुरान का हर हर लफ्ज या हर हर जुमला सात तरह से नाजिल हुआ।
बल्कि किरत जो है वो सब सात किस्म की है, यानी जो इख्तिलाफ किरत है, किरत का जो इख्तिलाफ है वो सात तरह का है, और बाज़ उलमा ने उनको जमा किया है उस स्ट्रीम में, हम लोगों ने उसको जिक्र किया है। तो ये बात भी मालूमात के तौर पे ज़हन में किसी भी मोतरिज के रहनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि उनमें इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ से मतलब है अलग अलग वेरिएशन जो है साबित ऑथेंटिक वेरिएशन। जी हाँ बताइए क्या बोल रहे आप हमजा भाई। जी जैद भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इंस्टेड ऑफ सेइंग मतलब गिविंग सेवन डिफरेंट किरात्स, अल्लाह जो है गॉड जो है वो मतलब सेवन डिफरेंट लैंग्वेज या वेरियस डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुरान भेज सकते थे ना कि पूरे वर्ल्ड के लिए इजी हो। वहाँ पे जो ऑडियंस थी अरब्स, और आप देख सकते हो कि आज आप देख सकते हो कि वो जो अरब जो ऑडियंस थे इमीजिएट, उनके सेवन डायलेक्ट्स में ये रुखसत के तौर पर था, जो सात डायलेक्ट्स में रुखसत के तौर पर था वो एक कुरान काफी है, बाकी एडिशनल था, यानी ऐसा नहीं कि सातों पता होना चाहिए, सातों पता होना चाहिए, वो एक किसी को पता है वो भी काफी है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ना कि क्या ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, आप ये बात को समझो कि आपकी लाइफ थोड़ी सी है, जिंदगी आपके सामने है, आपका मालिक एक है, आपको उसके पास वापस जाना है। समझदारी आपके लिए है कि इस वा इस्लाम मैंने एक पूरी सीरीज दिया है, 100 reasons दिया है, आप वो देखिए, उसमें से आपको इंशाल्लाह, और जो क्वेश्चन है ना हर क्वेश्चन के आंसर है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ऑफ कोर्स मौका महल देखकर आज का, क्योंकि हमारा टॉपिक है इल्मे गैब। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, ओनली वन लास्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाह खैर, वस्सलाम अलैकुम।